तो दोस्तों हिंडाल्को ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए कंपनी को ग्रोथ में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में 52,991 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू 56,176 करोड़। अभी देखें तो गिर के 54,169 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की गिरावट भी देखने को मिल रही। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 50,055 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 53,406 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 51,434 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़े से कंट्रोल किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब वो किए कहाँ पे वो भी मैं बता दूँ। बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी ने चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पर 1,107 करोड़ का फायदा हुआ है। तो यहीं पर अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ का कंपनी ने बचत किया है, जिसकी वजह से एक्सपेंस जो है थोड़े से कम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2,454 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, पिछले साल मात्र 2,205 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हल्की सी गिरावट के साथ 2,196 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है, लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। EPS की बात कर लेते हैं, तो ये पिछले क्वार्टर में 11 रुपये का EPS था, पिछले साल 10 रुपये के आसपास, अभी तो अभी भी 10 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो देखिए साल दर साल कंपनी के नंबर कुछ खास नहीं लग रहे हैं। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2-3% की गिरावट पर गिरावट भी नहीं होती। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो साल दर साल के परफॉर्मेंस को चेक करें तो कंपनी के नंबर कुछ खास देखने को नहीं लगे, एवरेज टाइप के नंबर है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।